मजा आ रहा है। जैसे अब मुझे जाना है कुल्लू मनाली, तो मेरे घर से मैं जैसे गांव से निकलूंगा तो सबसे पहले अपने को जो मार्केट पड़ती है वो पड़ती है शातलाई। इसके बाद मेरे को जाना मल्टी से, पहला काम है इसकी हवा चेक करवाना। पैर की हवा चेक कराते हैं, कम ज़्यादा हुई तो उसको मेंटेन कराते हैं, फिर चलते हैं। भैया जी हवा चेक कर दो यस। कुल्लू हवा भरवा ली, अब चल पड़े हम अपनी मंजिल की तरफ। और आज का हमारा स्टॉप है सुंदरनगर, जो है शातलाई से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर। तो जर्नी हो चुकी है बिगिन, मजा आएगा। फैमिली आपका स्वागत है हमारे ट्रिप के पहले दिन में। और अभी हम चल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, जो है हमीरपुर टू कुल्लू मनाली। सो अभी मैं जा रहा हूँ शातलाई टू बिलासपुर NH पे। और सच बात बताऊँ तो रोड बहुत बढ़िया बन चुका है। जिस टाइम मैंने छोड़ दी थी हालत बहुत खराब थी, पर अभी एकदम मक्खन की तरह बाइक चल रही है। 45-50 तो बहुत आराम से हो जा रही है, मजा आ रहा है। तो अभी हमने शातलाई के बाद बल्ला क्रॉस कर लिया, और बल्ला क्रॉस करने से आगे एक ये लोकेशन है जो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन है बर्थी। यहाँ के टर्न्स तो बहुत ही खतरनाक है भाई, डर लगता है एकदम। स्पीड 20 पे लानी पड़ती है, 40-50 पे भी अगर आप चल रहे हो तो। और यहाँ पे अगर देखो तो जय बजरंगली, जय हो, कृपा बनाए रखना। और अभी हम चल पड़े हैं बल्ठी की बाउंड्री पे, और ज्यादा हवा लग रही है, ठंडी ठंडी, कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा हो रखी है यार। मौसम बहुत ही बदल गया है देखते देखते, जबकि इतनी ज्यादा धूप है। और अभी टाइम भी 1:15 हुआ है। और हमारी एंट्री हो चुकी है फैमिली अभी बल्ठी में। यह डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है बल्ठी, यहाँ से पूरी मार्केट स्टार्ट है। ये सब अभी यहाँ पे नया बना है, पहले पूरा सिंगल रोड हुआ करता था। ये लेफ्ट राइट बाद में डिवाइड करे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे पास लेने लगते थे, जो बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि आगे से भी कोई भी आ सकता है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है क्योंकि मार्केट है। अभी यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत बना दिया है, आराम से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है वो पास नहीं लेंगी, क्योंकि पहले जो ट्रक चलते थे, बसें चलते थे, वो पास लेने लग पड़ते थे, जो डेंजरस था। ये वाला रास्ता चला गया छत वगैरह, यहाँ पे गांव है, छत हो गया, बिजड़ी हो गया उस तरफ, हमको जाना है यहाँ पे। यहाँ से रूट निकलता है हमारा शिमला, बिलासपुर, मनाली, कुल्लू, फिर आगे आगे आप जोड़ लो। मुझे अगर किसी सफर में डर लगता है किसी भी व्हीकल से, वो है ये ट्रक। पता नहीं क्यों इनसे मेरे को इतना डर लगता है, बहुत ज़्यादा। ये अगर बेचारे सही भी होंगे ना, फिर भी एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि इमेज ही ऐसी बना दी। थैंक यू। अरे 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 भैया, इतनी स्पीड में पता नहीं कहाँ जा रहा था ये। इसका कोई मेरे को लगता है वो ले गया ठेका, ठेका मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ले गया, इसकी बजरी उठाने का कोई दूसरा। यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जयपुर राजस्थान में चल रहे हैं हम, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है। और अभी हम पहुंच गए हैं नुहानी,
यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो लेफ्ट है वो घुमार में जाता है, राइट जो आप देख सकते हो बिलासपुर पनौल झंडूता। तो अपने को जाना है वाया घाघस होके, बाइक का यही सुख है आराम से निकाल सकते हैं। और इस हम चल पड़े हैं पनौल वाले रोड पे, जो राइट टर्न आपने पीछे देखा पुल से वो जा रहा झंडूता के लिए रोड है। हम पहुंच गए पनौल, यहाँ पे हमारे रिलेटिव भी रहते हैं। मैं तो चाय पी के जाता हूँ उनके घर पे, पर अभी वक्त नहीं है। और हमारी शानदार एंट्री हो चुकी है भगेड़ चौक में। यह है भगेड़, लेफ्ट जाएंगे तो घुमारमी और राइट जाएंगे तो कुल्लू बना। ये लो जी, चढ़ाई में ट्रकिंग खराब होगा, इतनी खतरनाक जगह खराब हुआ है ना ये। ओ भाई खोद दिया रोड, ये नहीं मानते, ये कुछ ना कुछ करके मान देंगे। और पहले जो है रोड ये वाला था, अब ये बना दिया है। पहले ना बहुत घूम के आना पड़ता था, वहाँ से नीचे से यहाँ से आओ, फिर ये वाली चढ़ाई चढ़ो, फिर इस रोड पे आके मिलो। अब तो देखो बढ़िया हो गया एकदम, यहीं से शॉर्टकट निकलो आराम से। अभी आपको दिखाते हैं कंदरौर का पुल, ये बहुत तगड़ा पुल है। अभी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सेफ्टी के लिए ये चीज़ें लगा दी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो गया था कि लोग जब जिंदगी से तन्हा होके बस एक ही उनके ऐसा ऑप्शन बचता था, वो उसे चूज कर लेते थे। तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए फेंसिस लगा ली हैं ताकि हादसे कम हो जाए। बट होते हैं जिसको जब जाना होता ना, उसने मन बना लिया होता ना, तो उसको कोई नहीं रुक पाता। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई ऐसा मत किया करो, जिंदगी से लड़ना सीखो। और भाई जी देखो, नो लाइफ विदाउट वाइफ, भाभी जी से बड़ा प्यार करते हैं लगता है, माँ से भी करते हैं, माँ का आशीर्वाद भी लिखा है, बट नो लाइफ विदाउट वाइफ। और ये है हमारा कंदरौर, यहाँ से दो रास्ते हैं अपने पास, लेफ्ट और राइट। अगर आप राइट चूज़ करेंगे तो आप बिलासपुर की तरफ जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट चूज़ करेंगे तो आप चलते हैं घाघस की तरफ। घाघस से एक पुल आएगा, उसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर मेरे को इससे पास लेना है सबसे पहले, क्योंकि मैं हूँ यार। यहाँ से मेरा ननिहाल शुरू हो जाता है। ये देखो कैप्टन साहब हमें अकेला नहीं छोड़ते। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी दादू, मैं दड़ी पूजिया। हाँ जी, और बढ़िया। हाँ जी दादू, मठे मठे ज्यादा लिदोम नहीं बजे। हाँ चलो ठीक है दादू, ओके ओके ठीक है दादू, बाय। तो अभी दादू से बात करके जैसे फ्री हुआ, तो देखो ब्रेक भी ऐसी जगह लगी जहाँ भैया जी मिल गए। अब इनसे मिलते चलते हैं। जय जय, ये है मेरे बड़ी बुआ के बेटे विपन भैया, तो हेलो कर दो। तो मैं भैया से बातचीत करता हूँ, फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो थंबनेल के लिए अभी भैया जी फोटो खींचते हुए, टेढ़ा करने भाई आइया, ना 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 इंगा ले लो मेरे सिरा पे। चलते हैं, बाय बाय, ओके। अभी हम पहुंच चुके हैं घाघस, और यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट। पहले मैंने सोचा था यहाँ मैं चाय पीऊँगा, और यहाँ से अगर आप जाओगे राइट साइड से तो पहुँच जाओगे शिमला, पर अभी वक्त नहीं है, अभी मेरे को सीधा निकलना पड़ेगा। घाघस भी छोटी सी मार्केट है, ये तो बिलासपुर से भी छोटी है, पर आप देखोगे अभी चली थी वो पीछे से, और यहीं पर लगभग ख़त्म हो गई है।
और इस रोड पे अब ये है कि सबसे ज्यादा ट्रक्स मिलते हैं इस रूट पे। अभी हम बरमाना में चल रहे हैं और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 40, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं 40 पे चलें। और बरमाना जो है यहाँ पे बिजली बनती है, बिजली सप्लाई होती है और यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जैसे की फैक्ट्रीज होगी और फैक्ट्रीज होंगी, तो अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो सफर में बने रहो, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते रहो। और ये ACC का बोर्ड क्या कहता है, ACC कक्कल सीमेंट वर्क। यहाँ पे मैंने कहा था ना, इसमें फैक्ट्री चला, यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है, तो अगर हमारा थोड़ा ही रहेगा तो अगर आप लेफ्ट साइड का व्यू देखें, बहुत ही जबरदस्त व्यू है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, मज़ा आ रहा है। और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और अभी आप देख सकते हो कि मैं क्यों रुका हूं। ये देखो नजारा, और जो सामने पुल दिख रहा है हमें, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है। वाओ कितना ब्यूटीफुल है। जितनी भी गाड़ियों से मैंने पास लिया था, अब सारी निकलेंगी आगे। लेफ्ट साइड में सारा पावर हाउस है और यहाँ का रोड इतना खूबसूरत है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पेड़ लगा के रखे हैं, ये लिख रखा है देहर स्विच यार्ड। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, दिल खुश हो जाता है इसको देख के। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चल रहा है रोड का काम और इसलिए यहाँ पे हो रखा है ट्रैफिक जाम। ओए होए होए, भगवान की दया से शुक्रिया हमारे पास बाइक है, इसलिए निकल जाएंगे धीरे धीरे। बहुत जरूरी है यहाँ पे गैप। ओ शिट, भयंकर जाम है भाई, भयंकर। निकाल लेते हैं धीरे धीरे, ट्रक वाले भैया के एकदम आगे आ गए हम। क्या बात है, सरदार जी चला रहे ना एक नंबर तरीके से, बस चढ़ा दी ऊपर ही। तो अभी देखते हैं क्या निकलता है। अरे बाबा, अरे 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 अरे, और इसमें स्टोरेज रहेगी है सिर्फ 57 मिनट्स और रिकॉर्ड करने की। नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे से आ रहा है ट्राला, और ट्राला हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पिकअप को, दिस इज पिकअप। हमीरपुरी लैंग्वेज में अगर बिलासपुर वाली साइड जाएंगे तो ट्राला बोलते हैं, जो 12 टायर का ट्रक होता है उसको। अरे 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 अरे, गो स्लो भाई, गो स्लो। आगे से आ तो रही है सर, ट्रक भी आ रहे हैं। नहीं हो पाएगा भाई जी, नहीं हो पाएगा। आराम आराम से, आराम आराम से, क्योंकि जो मैंने टायर्स डलवाए हैं ना अभी इसमें, वो मैंने डलवा लिए हैं रेसिंग वाले, जबकि हमारा रोड है हिमाचल का ऐसा, तो यहाँ पे डलने हैं दूसरे टायर्स और यहाँ पे चल रहा है काम रोड का, इसलिए भाई इसलिए लगाए जाम।
सज्जनों, भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, माताजी और पिताजी, इस वक्त हमारी एंट्री हो चुकी है सुंदर नगर में। और क्या खूबसूरत नज़ारा है सुंदर नगर में एंटर करते ही। मेरे को ये ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब लेफ्ट साइड पेड़ होते हैं, राइट साइड पेड़ होते हैं और हम बीच में चले होते हैं, एकदम ऐसा लगता है सुकून भरा है जैसे यहाँ पे, एकदम मौज हो जाती है, दिल खुश समझो, सब एकदम परफेक्ट यार। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं। मेरे को नहीं पता पर मेरे को अच्छे लगते हैं रिलायंस के पेट्रोल पंप। अभी न्यूज भी आई थी उन्होंने फ्रॉड करा, पर क्योंकि मेरा ट्रस्ट जो है बिल्ड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया है यहाँ पे, एक नंबर। अहियाँ तो मैं सुंदर नगर जी आना, बट अली मैं जल शक्ति भवन क्रॉस कितने है ना, नाना बस स्टैंड पूछी गया, उन बस स्टैंड में पूछी गया, मेरे राइट साइड बस स्टैंड आ, बस स्टैंड ते मैं लंगी गया, उन अग हाँ उन उन अग्गे अग्गे होना रास्ता जो भी के मम्मा। लोकेशन आ गई है जहाँ मुझे जाना है, तो मैं लोकेशन के साथ साथ चल रहा हूँ। 7.5 किलोमीटर का सफ़र रह गया और मेरे को लगता है स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खुल गए हैं, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और बस रास्ता देखना है कहाँ से कटता है कहाँ को नहीं, बाकी भगवान जी के हवाले धीरे धीरे चल ही रहा हूँ मैं। क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा, हाँ 1.5 किलोमीटर सीधे सीधे चलना है फिर लेना है मेरे को राइट, तो चल रहा हूँ मैं झील के साथ साथ। दिल्ली हरियाणा, दिल्ली एचपी की गाड़ियां सबसे कम दिखती हैं, दिल्ली हरियाणा सबसे ज्यादा दिखता है यहाँ। ओके जैसा आप बोले, 170 मीटर से यहां से राइट। ओ जी ले लिया रास्ता। ओके 4 किलोमीटर जाना है हमको सीधा सीधा, फिर पहुंच जाएंगे मामू घर। आप भी ना कब से बोर हो गए, मामा के घर पहुंच ही नहीं रहा, तो चलो अब आपको स्पीड से पहुंचाते हैं मामू घर में। लेने आ रहा है मेरा भाई और वो आ गया, और ये आ गया। रुक जा चल अब करते हैं फॉलो गाड़ी को मामू की। पहुंच तो हम गए अब सुंदर नगर, ये सुंदर नगर यप्पी। मैं मामू जी से मिल रहा हूँ कम से कम का कुछ ज्यादा ही सालों बाद मिल रहा हूँ। क्यों बीच में मुलाकात हुई थी पर वो मुलाकात जैसी नहीं थी ना। मामू जी कहाँ है आपका घर मामू जी, अब तो आंखें तरस गई मामू जी। नहीं यार सही पहुंच गया मैं, 12:30 बजे चला था तो कुछ टाइम हुआ होगा अभी थोड़ा बहुत ही। फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूँ मामा जी के घर, और आते ही मिल चुका है बिस्तरा। अब तो दिल कर रहा है कि उठू ही नहीं मैं, उठना पड़ेगा क्योंकि अब इतना ज्यादा ट्रैवल किया है, धूल खाई है, मुंह पे पड़ी है, कपड़ों पे पड़ी है, आप देख सकते हो पूरे आधे अधूरे हो गए हैं। तो अभी करेंगे हाथ मुंह धोते हैं पहले, फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं अच्छे तरीके से।
भेज दूं तेरे को। तो फैमिली अब वक्त है वीडियो को खत्म करने का, तो आपको दिखा देते हैं हम अपने मामूजी का घर। ये हमारे मामूजी, ये देखो, और ये भाई, ये हमारे मामी जी, वो बहना गई गुड़िया के साथ। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो कल मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तो बने रहे ब्लॉग्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू।